इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एलईडी टीवी में एसडी कार्ड को कनेक्ट कैसे कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद उसमें फोटो या वीडियो को प्ले कैसे कर सकते हो। तो बस आपको कई सारे जो एलईडी टीवी यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास कई सारे जो मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड में कई सारे फोटोज वीडियो सॉन्ग होता है, तो वही आपको एलईडी टीवी में प्ले करके उसमें देखना है, तो वही आपको आसान तरीके देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, इस हमारा जो एलईडी टीवी है, तो इसी एलईडी टीवी में हमें वीडियो को प्ले करना है और उसमें फोटो या वीडियो होता है वही हमें प्ले करना है एसडी कार्ड से। तो अभी देख लीजिए कि हमारे पास जो मेमोरी कार्ड है, तो इस मेमोरी कार्ड को मैंने इस तरह यूएसबी जो एडेप्टर है तो उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद आपको जो एलईडी टीवी है तो उसमें आपको लगा देना है। तो चलिए, हमारे पास जो यूएसबी एडेप्टर है तो वही आपको एलईडी टीवी में यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। तो इस हमारा जो एसडी कार्ड है यानी कि मेमोरी कार्ड है वही मैंने एलईडी टीवी में कनेक्ट कर दिया है, तो वही आपको आसान तरीके इस तरह कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद चलिए हमें एलईडी टीवी है वही हम प्ले करते, तो आपको रिमोट कंट्रोल से वही आपको प्ले कर सकते हो। तो चलिए, मैं एलईडी टीवी को रिमोट कंट्रोल से पावर का बटन है वही मैं प्रेस करता हूँ तो वही हमारा ऑन हो जाएगा। तो गैस आपको इस तरह ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद उसमें कई सारे हमारे पास जो मेमोरी कार्ड में फोटोज वीडियो सॉन्ग होता है वही आपको एलईडी टीवी में प्ले कर सकते हो यानी कि उसमें देख सकते हो। तो आपको जो सोर्स का बटन है वही आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद उसमें कई सारा जो ऑप्शन है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको मीडिया वाला ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चलो, मैं मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ, और मीडिया सिलेक्ट करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा पास जो एसडी कार्ड है वही हमारा एलईडी टीवी में शो हो गया है। तो उसमें आपको इमेज सॉन्ग वीडियो है वही आपको देख सकते हो। तो चलिए, हमारा मेमोरी कार्ड में कई सारे जो फोटोज है तो वही मैंने फोटोज पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि उसमें कई सारे जो फोल्डर है तो वही आपको फोल्डर दिखने को मिल जाएंगे। जिस फोल्डर में आपका फोटो है वही आपको उसमें क्लिक करके फोटो को देख सकते हो। तो चलो, मैं फोटो को फुल स्क्रीन में प्ले करता हूँ यानी कि उसमें क्लिक करता हूँ तो हमारा फोटो से वही ओपन हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि कई सारे जो फोटोज है तो फोटोज पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो आपको इस तरह एसडी कार्ड में यानी कि मेमोरी कार्ड में कई सारे जो फोटोज है वही आपको एलईडी टीवी में प्ले कर सकते हो यानी कि उसमें देख सकते हो। लेकिन आपको वीडियो देखना है तो आपको एग्जिट बटन पे क्लिक करके आपको आ जाना है रिटर्न। तो चलो, मैं रिटर्न वाला ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें देख लीजिए कि मूवी का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि जितना आपका वीडियो है वही उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, कई सारे जो फोल्डर है तो जिस फोल्डर में आपका वीडियो है तो इसी वीडियो को उसमें प्ले कर सकते हो। तो चलिए, हमारे पास जो कई सारे फोल्डर है तो फोल्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में हमारा वीडियो है इस फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि आपको इस तरह कई सारे वीडियो है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको प्ले कर सकते हो। तो गैस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पास जो कंप्यूटर का एक वीडियो है तो वही मैंने एसडी कार्ड में इस तरह प्ले कर दिया है यानी कि टीवी में हमारा वीडियो है वही हमने सही से प्ले कर दिया है। तो आपको इस तरह कई सारे जो मूवी होता है यानी कि फोटोज वीडियो होता है वही आपको टीवी में देखना है तो आपको एसडी कार्ड को उसमें यानी कि मेमोरी कार्ड है वही आपको कनेक्ट करके उसमें देख सकते हो। तो हमारा सही से जो वीडियो है वही हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। तो चले, दूसरा वीडियो है तो दूसरा वीडियो को मैं प्ले करता हूँ तो वही हमारा दूसरा वीडियो भी प्ले हो गया है। तो गैस, आपको इसी तरह जो एलईडी टीवी में फोटोज वीडियो को प्ले करना है तो उसमें आपको एसडी कार्ड को कनेक्ट करके यानी कि मेमोरी कार्ड को उसमें लगा के आपको वीडियो को देख सकते हो। तो गैस, जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो गैस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।